सर पीआरएन हो रहा है, बट कभी एक आध वीक में कभी आध मिक्स मिस होता है, वीक में कभी। बात और वीके जी लॉ फर्म जैन, मिस्टर जैन से मेरा बात है। हाँ, पीआरएम का रिजल्ट क्या आया? उसमें से एक डेट ऐसा था सर जिसका वैल्यू 60,000 के आसपास था, वो हाँ, पूरा रिकवर हो गया सर। कैसे हुआ रिकवर? वो हम लोग उसको बात ही नहीं करते थे, उसको पूछते ही नहीं थे, तो पूछने लगे तो फिर उसने पार्ट बाय पार्ट करके दे दिया। वेरी गुड। कितना पुराना था? क्या वो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। किसको ये बात सुनाई नहीं दी जो निहाल ने बोली? निहाल रिपीट कर दो एक बार। जी निहाल ने शैंति बोला जी, एक साल पुराना डेट था, अमाउंट था 60,000, बट हम उसको भूल ही चुके थे, उससे हम बात नहीं करते थे, क्लाइंट थे। तो पीआरएम हुई हमारी, पीआरएम कितने देर की हुई थी निहाल? जो वो क्या ड्यूरेशन की अभियान की? 1 घंटा, आधा घंटा, कितने ही कर रहे हो? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर सर। तो हाफ एन आवर में हो रहा है? एवरी वीक करते हैं, एवरी वीक। तो जब मैं करता हूँ अपनी टीम से, ईएम कहता हूँ मैं अपने आप टीम को, कि हमारी पीआरएम नहीं होती, हमारी ईएम होती है। ईएम इज स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिव मीटिंग। ऑल ऑफ यू विल डू द ईएम्स इन द क्यूएसपी। बताऊंगा कैसे करनी है। ईएम में मैं हर हर अपने टीममेट से बात करता हूँ, बताओ जी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट दो मुझे अपनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट लेती है वो बिल्कुल टोस पे आ जाता है। सर तो सब कुछ पूछते हैं यार, जो जो टास्क दिए सबके बारे में बात करते हैं, ये ना यस नो। इस पे ना ये टोस पे आ जाता है वो बंदा ईएम करते ही। तो ओके निहाल ने बोला कि उसकी रिकवरी होगी 60,000 रुपए की।